उत्तराखंड के नेता हरक सिंह रावत आज कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि उनके साथ में उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हो सकती है। सूत्रों की माने तो रावत अपनी बहू के साथ दिल्ली में दोपहर 12 बजे पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप के चलते बीजेपी ने हरक सिंह रावत को तो पार्टी से बर्खास्त कर दिया, और पार्टी विरोधी गतिविधियां भी इस तरह से कि कई बार हरक सिंह रावत सीक्रेट मीटिंग करते हुए कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ में पाए गए थे, और बाकायदा इसका एक वीडियो भी सामने आया था। और ये भी कहा जा रहा था कि हरक सिंह रावत पार्टी पर खुद के साथ साथ अपने बेटे और बहू के लिए भी टिकट का दबाव बना रहे थे, जिसके लिए पार्टी तैयार नहीं थी। और फिर अब जानकारी ये है कि हरक सिंह रावत आज कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं, और वो अकेले नहीं बल्कि उनकी बहू अनुकृति भी आज कांग्रेस में शामिल हो सकती है। लगभग 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। अभिषेक सिन्हा मेरे साथी समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अभिषेक, उत्तराखंड की सियासत में काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्या उनकी जो तमाम बातें थी क्या वो मान ली गई हैं? और हरीश रावत भी कह रहे थे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे कांग्रेस से तब तक वो शामिल नहीं हो सकते, क्या ये सारी चीजें अब शांत हो चुकी हैं? देखिए नैना, मैं आपको सबसे पहले यहाँ की सियासत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हरीश रावत वही मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के जिन्होंने 2017 में हरक सिंह रावत की वजह से सत्ता गंवाई थी, और ये सत्ता गंवाने का दुख और दर्द आज भी हरीश रावत के जुबान पर नज़र आता है। और जब तक हरीश रावत नहीं मानेंगे तब तक हरक सिंह रावत की एंट्री होना बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और जैसा कि कल भी ये जताया जा रहा था कि कल हरक सिंह रावत 12 बजे ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और सीधे रूप से हरक सिंह रावत के लिए हरीश रावत ने सीधे रूप से कहा है कि जब तक हरक सिंह रावत सार्वजनिक रूप से उस गलती का एहसास नहीं करेंगे और गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उनकी एंट्री के बारे में विचार नहीं होगा। ये सीधे रूप से हरक सिंह रावत का ही नहीं बल्कि और भी जो उनके विधायक हैं उन लोगों का भी ये कहना है कि जिसकी वजह से हम लोग सत्ता से बाहर हुए और 2017 के चुनाव के बाद आज हम लोग सत्ता के लिए लड़ाई जो कर रहे हैं वो उसके पीछे और कोई नहीं सिर्फ हरक सिंह रावत है। और हरक सिंह रावत की एंट्री तभी होगी जब वो सार्वजनिक रूप से अपनी उस गलती का एहसास करेंगे जो उन्होंने 2017 में रिपीट की थी। जी जी नैना, ठीक है। अभिषेक आप नजर बनाए रखिए, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो काफी उठापटक इस दौरान जरूर नजर आ रही है, लेकिन आखिर उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस टू बीजेपी और बीजेपी टू कांग्रेस आखिर किस तरह से ये पूरा सीन चल रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। दोनों हाथों से आंसू पोंछते यह है उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी नेता हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत 24 घंटे पहले तक उत्तराखंड सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन रविवार देर रात हरक सिंह को पहले पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट के साथ साथ पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया। बीजेपी से अचानक निकाले जाने का दर्द हरक सिंह की आंखों से आंसू के रूप में निकला। कि ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसे सिचुएशन में कि बीजेपी ने आपको निकाल दिया पार्टी से? अच्छा क्या, मैं सोचता हूँ कि ईश्वर ने इनको इसलिए, मैं एक कहावत है हमारे देसी भाषा में, विनाश कर ले विपरीत बुद्धि। पार्टी और मंत्री पद से हटाए जाने के बाद हरक सिंह रावत इसे बीजेपी के लिए विनाश काले विपरीत बुद्धि करार दे रहे हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह बीजेपी के खिलाफ खुलकर बयान देने लगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने हरक सिंह रावत को इसलिए निकाला है क्योंकि मुख्यमंत्री को खुफिया रिपोर्ट थी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होने वाले थे। उनके साथ 3 विधायक भी कांग्रेस में शामिल हो सकते थे। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में हरक सिंह ने माना है कि कांग्रेस नेताओं ने उन्हें संपर्क जरूर किया था। कांग्रेस के लोग मुझसे संपर्क कर रहे थे, प्रीतम सिंह जी का, देवेंद्र यादव जी का, गोदयाल जी का, कई बार मुझको फोन आए। मैं उनसे कहता था भाई, अब जैसे होता ही है राजनीति में कि संबंध ऐसे होते हैं कि भाई छोटा सा प्रदेश है, तो मैं कहता था भाई मैं देखूंगा बात करूंगा।
बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह कांग्रेस की तारीफ करने लगे, दावा करने लगे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। हरक सिंह कांग्रेस में जाएंगे या नहीं, इसके लिए उन्हें सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं लेने का अधिकार पार्टी का है, पार्टी लीडरशिप का है, और अभी इस विषय में मुझसे कोई परामर्श नहीं किया गया है। यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं अपनी बात बताऊंगा। आपकी क्या राय है? आपने तो कहा था जब तक माफी नहीं मांगेंगे कांग्रेस में एंट्री उनकी नहीं होगी, क्या है आपकी अपनी निजी? मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ। हरीश रावत ने यह साफ कर दिया है कि हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री इतनी आसान नहीं है। हरक सिंह और हरीश रावत में पुरानी दुश्मनी है। जब हरक सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे तो उन्होंने हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब देखना होगा कि हरक सिंह हरीश रावत से माफी मांगते हैं या नहीं।